in this wonderful morning. Ladies and gentlemen, please welcome. Can we have some music? Let's welcome the very beautiful Ananya Pandey and Vijay Devrakonda. मैंने भी एक बार आया था पहले एक दिन के लिए गांधीनगर गया था Alright. So, ladies and gentlemen, we have this wonderful movie coming up, Liger, in some days. बस enjoy करूँगा promotion सबसे मिलूँगा enjoy करूँगा अच्छा खाना खाऊँगा हर city में और release के लिए wait करूँगा. थोड़ी बहुत गुजराती सीखी यहाँ पे आके. हिंदी तो आपकी इतनी अच्छी है I can see that. What about गुजराती? थोड़ा फ्लो में आ रहा है हिंदी 10 दिन से मार रहा हूं मैं इंटरव्यू से भी बेटर हो गई अब इज इट सो अनन्या आपने सीखा नहीं वो मुझे सिखा वो आपको सिखा हां अरे बाप ही सेड सम रियली बिग वर्ड दैट व्हाट डिड ही से परिस्थिति आई वाज लाइक व्हाट सो ही इज टू गुड विद लाइक प्योर शुद्ध हिंदी आई वुड से ऑलराइट अभी थोड़ा बहुत गुजराती आपको लास्ट में सिखाएंगे बट बिफोर दैट वी हैव द मीडिया पीपल वेटिंग सिंस लॉन्ग सो लेट्स हैव अ क्यू एंड ए सेशन वन टू वन वी हैव पर वो बहुत एक्चुअली स्वीट और चिल और काइंड और हेल्पफुल रहे हैं मेरे साथ तो बहुत अच्छा स्वीट एक्सपीरियंस था ऐसी बहुत रही है मैं बहुत मैंने आई फेल वेरी कंफर्टेबल क्योंकि इट वाज आल्सो माय डेब्यू इन फोर न्यू लैंग्वेजेस एंड आई रिमेंबर कि व्हेन इट वाज माय फर्स्ट डे ऑन सेट तो मुझे सिर्फ रिएक्ट करना था और उनका एक फाइट सीक्वेंस चल रहा था एंड ही एक्चुअली रिक्रिएटेड द फाइट एंड डिड इट फॉर मी कि मेरे रिएक्शंस जेन्युइन निकले क्योंकि मैं बहुत नर्वस थी आई थिंक टू एंड अ हाफ ईयर्स बैक एंड आई वॉज लाइक 20 और समथिंग दैट टाइम आई हैव ग्रोन अप थ्रू द फिल्म सो ही वाज हीज बीन वेरी हेल्पफुल विजय सर पार्थ दवे हियर सर अर्जुन रेड्डी डियर कॉमरेड गीत गोविंद मैन लाइगर सो सर हाउ कैन यू गो इन दिस कैरेक्टर्स मेरा काम ही है कैरेक्टर से कैरेक्टर जाना वो इसी उस लिए ही मुझे पे करते ये लोग तो ज़्यादा स्क्रिप्ट अच्छा है तो और इजी होता जब डायरेक्टर को क्लैरिटी रहता और स्क्रिप्ट कंटेंट पेपर पे बहुत अच्छा है तो बहुत इजी रहता वो करने में इस पिक्चर के लिए फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत करना पड़ा एंड इट हेल्प्स व्हेन यू चेंज फिजिकली व्हेन यू चेंज योर लुक व्हेन यू चेंज योर क्लोथ्स यू फील मोर लाइक वो कैरेक्टर की तरह लगता है तो इट टुक मी 2 years टू बिकम दिस पर्सन एंड आई एन्जॉयड बीइंग लाइगर लाइक एवरी डे बहुत मज़ा आया बहुत देर बाद इतना मज़ा आया पिक्चर बनाने में मैं एक्चुअली पहली बार अहमदाबाद आई थी स्कूल ट्रिप के लिए सेवन स्टैंडर्ड में थी और फिर मैं स्टूडेंट के प्रमोशंस के लिए आई थी और अब मैं लाइगर के प्रमोशंस के लिए आई हूँ और आई थिंक माय फर्स्ट इंप्रेशन दिस टाइम वाज कि बहुत साफ है इट वाज इट्स वेरी क्लीन एंड आई थिंक यहाँ जो प्यार मिला है हमें लोगों से कल एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टुडे आल्सो टू मीट द स्टूडेंट्स इन कॉलेज बहुत सारा प्यार है यहाँ दे गेट सो एक्साइटेड जब हम गुजराती में बात करते हैं एंड दे ऑल्सो रिप्लाई बैक इन गुजराती सो हैड अ ग्रेट टाइम एंड वी आर गोना हैव वेज थाली नाउ एंड वी आर गोना हैव अहमदाबादी चाय तो ये एक्साइटेड है हम उसके लिए विजय इट्स ब्यूटीफुल मैन लाइक व्हेन मैं जब उठता हूँ सुबह और कर्टन खोलता हूँ तो जस्ट द व्यू इज सो ब्यूटीफुल इट लुक्स सो काम द सिटी फ्रॉम पता नहीं नीचे क्या गड़बड़ चल रहा पर ऊपर होटल रूम से तो बहुत शांत बहुत ऐसा मेडिटेटिव लग रहा है वो आपने पहले बोला ना कि अंदर से मजा आ रहा है बस वो मजा आई एमपी है हां मजा बहुत मजा आया हेलो मेगा यस मेगा आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके करियर में लाइगर का कैरेक्टर जो आप निभा रहे हैं ये फर्स्ट टाइम आप निभा रहे हैं तो आपके लिए कितना मुश्किल रहा और आपने कितना एंजॉय किया मैंने अभी बोला था कि बहुत बहुत देर बाद जब से मैं एक्टर बना हूँ शायद 6 साल हो गया पर बहुत साल बाद इतना मज़ा आया है कैरेक्टर प्ले करने में और आपका दूसरा क्वेश्चन क्या कितना टफ था ये फिजिकली और परफॉर्मेंस वाइज और मेंटली ये मेरा सबसे डिफ़िकल्ट फिल्म रहा क्योंकि फिजिकली बहुत ट्रांसफॉर्म करना पड़ा
और वो स्टैमर, वो हकलानापन जो है पिक्चर में, वो एक कॉम्प्लिकेटेड, इट्स नॉट ईजी टू परफॉर्म दैट वे, इट्स रियली कॉम्प्लिकेटेड टू स्टैमर एंड परफॉर्म एंड इमोट, तो वो एक टफ एस्पेक्ट था, पर बहुत मजा आया ये करने में. वन लास्ट क्वेश्चन, एंड आई वुड रियली लाइक इट इफ इट इज रिलेटेड टू नाइगर. लास्ट क्वेश्चन, यस अनन्या, दिस इज चेतन, एंड आई वुड लाइक टू आस्क बोथ ऑफ यू, व्हाट चैलेंजेस यू फेस व्हाइल क्रिएटिंग दिस मूवी ड्यूरिंग द कोविड टाइम? डेफिनेटली बहुत डिलेज थे पैंडेमिक की वजह से शूटिंग स्केड्यूल में, पर टचवुड लकीली हमने सारे प्रिकॉशंस लिए, सारे प्रोटोकॉल्स लिए, और जब हम शूट कर रहे थे बहुत स्मूथली गया. एंड आई थिंक द फैक्ट दैट वी कुड गो एंड शूट विद माइक टायसन इन अमेरिका अमिडस्ट अ पैंडेमिक बहुत बड़ी बात थी, पर वी मेड श्योर वी टुक ऑल द प्रिकॉशंस. व्हाट आर द अदर चैलेंजेस यू फेस्ड व्हाइल परफॉर्मिंग दिस मूवी? मी चैलेंजेस कुछ नहीं था, एज इन लाइक फिजिकल ट्रांसफॉर्म करना, ये हकलाना, ये थोड़ा चैलेंजिंग था, पर धीरे धीरे मज़ा आ गया. सिर्फ कोविड का बहुत इरिटेटिंग था कि क्या हो रहा है वर्ल्ड में, एंड देन बहुत हैप्पी फिल्म है और आपको बहुत मज़ा आएगा देखने में, हमें बहुत मज़ा आया बनाने में, तो इट्स बीन अ वेरी हैप्पी जर्नी. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच.